शायद आपने नाम सुना हो गुजरात में सूरत में डायमंड किंग के नाम से एक ढोलकिया जी हैं, शायद आपने कभी उनका नाम सुना हो, यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, शायद उससे आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ढोलकिया जी ने लगभग 2-3 साल पहले, इनका नाम काफी चर्चा में था, इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए 200 कार खरीद ली थी, अपने लगभग 200-300 लोगों को इन्होंने मकान गिफ्ट कर दिया था, तब से ये चर्चा में आए थे। इन्होंने अपने बच्चे को, आपको पहले ये बता दूं मैं कि इनके पास लगभग आज की डेट में 6,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा इंसान, इतना पैसा उस व्यक्ति के पास है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए, अपने बच्चे को एक सही दिशा देने के लिए किस तरीके की ट्रेनिंग दी, बस वो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 6,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक अपने बच्चे को 3 से 4 महीने के लिए अपने घर से दूर सिर्फ 7,000 रुपए देकर दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में एक छोटे से स्थान पे भेजता है। उसको वो बोलता है कि तुम्हें अपनी पहचान नहीं बतानी है, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताना है कि तुम्हारे पिताजी कौन है, उनके पास कितना पैसा है, तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है। 3 से 4 महीने वहां पे रहो, नौकरी करो, खुद कमाओ, खुद अपने हिसाब से खाना पीना सारी चीजें वहां पे करो, तब जाके तुमको जो इतनी बड़ी संपत्ति कल को मिलनी है उसकी कीमत समझ में आएगी। वो लड़का उस समय तो चला गया, 3 से 4 महीने जब वो अपने घर से दूर रहा, जो जिंदगी उसने बचपन से देखी थी उससे जब वो दूर रहा, 3 से 4 महीने जब उसने बहुत कठिन समय बिताया, तब जब वो घर वापस लौटा तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे अब समझ में आया कि गरीबी क्या होती है, मुझे अब समझ में आया कि पैसे की कीमत क्या होती है। तो आप सोचिए कि जब 6,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक अपने बच्चे को इतनी टफ, इतनी कठिन परीक्षा के लिए भेज रहा है, तो हम भी